आगे का एल्बम बनाएंगे। अभी हम इसको कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं गाइस। जब तक वो पीछे हैं, हम जब तक हम मिट्टू को देखते हैं। ये हमारा प्यारा मिट्टू आई गाइस। गाइस अभी हम मिलते हैं कुछ और मिनटों में। गाजर जो हमने सारी कस ली है और इन्हें गैस पे चढ़ा दिया है। आज जो है हमारी सोनिका, आज हमारी सोनी का दांत टूट गया है, इसलिए वो बोल नहीं रही है। और इसे हम प्यार से जुंदर बुलाते हैं, जुंदर। हाय गाइस, आज हमने गाजर का की। हाँ जी मिट्ठू, मिट्ठू बे, मिट्ठू क्या है? मम्मी मोटे को भी तो प्यार करो। हाँ मिट्ठू, फ्रेंड्स अब हम गाजर में दूध डालने वाले हैं। गाजर जो अच्छे से भून चुकी है, उनका पानी जो है सोख चुका है। और सोना को दूध वाला ही हलवा पसंद है, इसलिए हम दूध वाला हलवा बनाते हैं। अब इसको दूध के साथ अच्छे से पकाएंगे। जो हमने दूध डाला था वो काफी हद तक जल चुका है अभी, लेकिन अभी इसको और पकाना है, अभी दूध और जलेगा, इसलिए अभी हम इसको कम से कम 20 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे चीनी। दूध जो है अच्छे से पक चुका है इसमें, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। जो थोड़ी देर बाद है ना लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, फिर जो लिक्विड है उसको भी अच्छे से इसमें हलवे में जलाना होता है, ताकि ये बिल्कुल सूखा सूखा हो जाए। अब चीनी का जो पानी है लगभग जल चुका है, लेकिन अभी इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, अभी ये अभी और पकाया जाएगा तभी अच्छे से टाइट होएगा। तू किस लिए आ रहा है? अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, ये काजू, Thank you.
सैंडविच, बस कुछ ही देर में हमारा हलवा तैयार होने वाला है, फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। गाइस अभी हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है, हम आपको टेस्ट करके देते हैं। बहुत जमरा बाबा, बहुत अच्छा बना आपने। वाह गाइस आप भी देखिए, आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए अपने घर में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Oh.